को जय श्री राम। नमस्कार, कैसे हो? स्वागत है आप सबका एक नई चोचलेबाजी वीडियो में। तो देखो, आज मैं इस वीडियो को एक ऐसी जगह पे बना रहा हूँ, जगह का नाम आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा और मैं कहाँ पे बैठा हूँ वो भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो सबसे पहले चीज़, आज इस चोचलेबाजी वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक डाइंग हाउस, मतलब डाइंग हाउस ऐसा चीज़ होता है, उसके बारे में जानेंगे। एक्चुअली देखा जाए तो डाइंग हाउस होता क्या है? डाइंग हाउस ऐसा चीज़ होती है ना, जहाँ पे कपड़े का ना कलर ही चेंज कर, मतलब जो धागा होता है या फिर कपड़े भी होते हैं तो उनका कलर चेंज कर देते। मान लें व्हाइट है तो व्हाइट पे आप डिमांड के अकॉर्डिंग उसमें ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, येलो ऐसे करके कलर उस पर चढ़ा देते। तो डाइंग का एक प्रोसेस बहुत लंबा होता है, बहुत हीटिंग होती है, प्रेशर होता है। तो अभी मैं आपको, अब मैं बताऊँगा मैं कहाँ पर बैठा हूँ। जिस जगह पर बैठा हूँ, ये स्टेट आता है हरियाणा में और जगह का नाम है कुंडली, एक जगह करके। कुंडली पूरी इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे। अभी मैं जब आया तो रास्ते में आते हुए ऐसा मुझे दिख रहा था, लग रहा था कि जस्ट कुछ गांव टाइप का है और धूल मिट्टी है। सामने बहुत बड़ा गंदा नाला है जहाँ पे मैं बैठा जस्ट सामने ही, और आसपास काफ़ी अच्छी जगह थी। ये कुंडली हरियाणा स्टेट में पड़ता और पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ से पानीपत और राई, सोनीपत, नरेला, बवाना ये सब लगभग लगे हुए हैं। तो देखो, जैसे आप दिल्ली से या फिर इधर साइड जाते हो तो इधर बहुत डेवलप जगह है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना इंडस्ट्रियल एरिया है। आप दिल्ली से निकलते हो, बवाना, नरेला, कुंडली, राई, फिर उसके बाद सोनीपत, पानीपत। सोनीपत और पानीपत में कंबल का बहुत ज़्यादा काम होता है, मतलब ऐसा मुझे जहाँ तक मैं जानता हूँ। अगर आपको मेरी बात, तो बातें सही लग रही हों तो आप ज़रूर कमेंट में कर देना, हाँ कि यार पानीपत में कंबल, मतलब कपड़े का एक तरीके से देखा है उधर कुछ ज़्यादा ही चीज़ें होती हैं। और नरेला और बवाना जो है पूरा ये भी इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे आप जो प्रोडक्ट यूज करते हो, जो चीज़ आप पहन रहे हो, खाना खा रहे हो, जो भी कुछ चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं वो किसी इंडस्ट्रियल एरिया में डेवलप की हुई होंगी, वहाँ पर मैन्युफैक्चर हुआ होगा। और देखा जाए तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का दूसरा सबसे बड़ा मतलब कंट्री बन गया चाइना के बाद। इंडिया की में मैन्युफैक्चरिंग की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अभी बहुत सारे लोग मैन्युफैक्चरिंग पे ही काम कर रहे हैं। तो चलो, अब मैं आपको जो मेरे पीछे देख रहे होगे, ये सब ये पुराना डाइंग हाउस है। अभी ट्रक है इधर, ये जनरेटर है, और थोड़ा इधर जाएंगे तो इसके जस्ट पीछे एक ट्रक खड़ा हुआ है, आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। तो इसमें ना रॉ मटेरियल आता है। रॉ मटेरियल कहाँ से? गुजरात, सूरत, मुंबई, ऐसे जगह से आता है। फिर यहाँ पे उसको थोड़ा बहुत जो भी कुछ करना होता है करते हैं। तो मेरे पीछे ट्रक, ये जो गाड़ी खड़ी है इसके पीछे आपको एक पिकअप दिख रही है, वहाँ पे ट्रक खड़ा हुआ है। बट क्या है ना, मैं फैक्ट्री की वीडियो, ऐसे किसी की फैक्ट्री का वीडियो ना, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत करने के बाद, मशक्कत करने के बाद इधर अंदर आने को मिला है। तो मैं सोचा बस आज मेरे को चोचलेबाजी वीडियो पर नहीं बनानी थी, तो मैं क्यों सोचा कि क्यों ना यहीं पर इस चीज़ को कर लेते हैं। क्योंकि कल भी मैं किसी एक नई जगह पर था तो कल मैं नहीं बना पाया, मतलब क्या है ना प्रोक्रेस्टिनेशन, छोड़ो, उसने मन नहीं बोला, चलो छोड़ो कल के लिए। अभी भी मेरा मन बोल रहा था क्यों बना रहा है ऐसी चीज़ें, तो कोई फ़ायदा नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, बना ही लेते हैं, कुछ चीज़ें जान ही लेते हैं। देखो ये ना अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, चीज़ें बन रही हैं ये पूरा। और मेरे पीछे सामने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री दिख रही होगी ये आप, इसमें देखो एक ऐसे लंबी लंबी सी वो आई है ऊपर से कुछ मटेरियल, ये मुझे नहीं पता कौन किस चीज़ की फैक्ट्री है। लेकिन जहाँ पे मैं बैठा हूँ अभी, ये जो पीछे पूरा दिख रहा है ना, ये पूरा डाइंग हाउस है। इधर वही चीज़ें, धागे आते हैं, यान बोलते हैं उसको, और बहुत महंगा होता है ये, लगभग 1000 रुपीज़ किलो ऐसा होता है अकॉर्डिंग टू मैम, जहाँ तक मैं जाना हूँ 700 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये करके, ऐसे 1000 तक, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं है। तो अभी ये चीज़ें दिखा आपको, मैं थोड़ा इस फैक्ट्री के बाहर चलता हूँ और बाहर की कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा। तो फिर मैं फैक्ट्री से बाहर निकला, जो मेरे पीछे रेड कलर का गेट दिख रहा है यही फैक्ट्री है। फैक्ट्री का नाम डाइंग हाउस है, लेकिन उसके पहले चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा कि कौन सी फैक्ट्री है, किस चीज़ का डाइंग हाउस है। और अब आपको ना मेरे पीछे ऐसे देखते रहिए, ये क्या बोलते हैं इसे, कुंडली है, और इधर मेरे पीछे एक नाला बह रहा पूरा, ये बहुत ब्लैक कपड़े से कलर से भी ज़्यादा बहुत, मतलब काला पानी है इसका, मतलब काला पानी करके जगह मत समझ लेना, तो इसका इतना काला पानी है ये। और ये कुंडली है, ये सब पूरा जो दिख रहा है ना, या सब कहीं ना कहीं ये वेयर हाउस होंगे या फिर कुछ ना कुछ इनमें फैक्ट्रियाँ हैं, कुछ ना कुछ मशीनें लगी होंगी, कुछ ना कुछ काम चल रहा होगा। और थोड़ा इधर चलते हैं तो इधर भी ऐसी सारी चीज़ें हैं, और रास्ते यहाँ के ऐसे हैं, बारिश वारिश में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती होगी लोगों को यहाँ पे। और ये पीछे भी ऐसे कुछ कच्चा रास्ता है यहाँ पे, पता नहीं क्या कैसे खाने होने को मिलता है, मुझे नहीं पता। और अभी काफ़ी डेवलपमेंट चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ के जो लोग हैं, आसपास के लोग, उनका
इन फैक्ट्रियों से ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मुनाफा होता है, उनको छोटे मोटे रोज़गार मिल जाते हैं और काम भी हो जाता है उनका, दोख की रोटी भी मिल जाती है। और देखो इधर पूरा ये नाला, मुझे नहीं पता कहाँ से कहाँ तक बहता है, कितनी दूर है, कितनी कहाँ तक गया है, ये मुझे आइडिया नहीं है। बट मुझे कुछ चीज़ आपको आज दिखाना था तो मैं ऐसे आया आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे लोग दूर दूर से दिल्ली दूर दूर से, मतलब ऐसे रूरल एरिया जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, ऐसे लोग आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, ज़्यादातर लोग यहीं से होते हैं। और ये हरियाणा स्टेट है तो यहाँ की लैंग्वेज जो है वो हरियाणवी है, लोग हरियाणवी बोलते हैं, पर बहुत ऐसे कम ही लोग हैं जो हिंदी वगैरह का इस्तेमाल करते होंगे। तो चलिए ठीक है, हमारी 5 मिनट की चोचलेबाजी वीडियो ख़त्म होती है, मिलते हैं फिर कल एक नई चोचलेबाजी वीडियो में, किसी एक नई जगह पे होंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।